बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साई होम्योपैथिक इन्फर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक ख़ास किस्म की बीमारी होती है, लोग कई कई साल इसका शिकार रहते हैं, और अगर ये टेस्ट ख़राब हो तो ऐसे लोगों की भी औलाद नहीं होती, उनको बाहर जाने में भी मसला होता है। तो अगर ये टेस्ट ख़राब हो, बेसिकली सिफिलिस की बात कर रहा हूँ, सिफिलिस का टेस्ट अगर ख़राब हो तो बड़े मसाइल होते हैं उसको, पेशाब में जलन और आर्गन के ऊपर ज़ख्म हो जाते हैं और पता नहीं क्या कुछ तकलीफात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सिफिलिस के हवाले से होम्योपैथी में अच्छा इलाज मौजूद है। हम जो सी एम्पावर में सबसे पहली वाली खुराक देते हैं उसमें सिफ्लिरियम सी एम के खुराक देते हैं, और दूसरे नंबर पे मर्कसाल सी एम के खुराक देते हैं। उसके अलावा जो दवाइयाँ सिफिलिस के वाले से सुबह दोपहर शाम में इस्तेमाल की जाती हैं उसमें मर्कसाल 200 रोज़ाना सुबह देते हैं, एसिड नाइट्रिकम 200 पावर में देते हैं। तीसरे नंबर पे जो सिफिलिस के वाले से दवाई इस्तेमाल की जाती है उसमें सिलेशिया 200 रोज़ाना रात को दी जाती है। अगर केस मुश्किल हो तो एक्नीशिया क्यू पावर में भी सुबह दोपहर शाम दी जा सकती है। तो सिफिलिस के केस मुश्किल ज़रूर होते हैं लेकिन होम्योपैथी से ठीक होते हैं। मेरे लिए दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।